और एक में खेल रहे हैं रन किया गया है, मेरे ख्याल से ये गोल कीपर होंगे बबलू सोरेन जैसे नंबर 22 में खेल रहे हैं, बाबूलाल 14 में, मोती मुर्मू खेल रहे हैं 19 में, जॉन मरांडी 18 में, लॉरेंस टूडो 10 में, मानसी हस्ता 20 में, इस्तामुल 11 में, मंगल 12 में, अनिल मुर्मू 17 में, संतोष 15 में, सब सिटी के बेंच में है कालिदास 8 में, साइमन 24 में, शाम चांद 19 में, केमाफिया 9 में, रंजीत 16 में, दीपक 22 में। मोतीलाल के नेतृत्व में संतोष वारियर की टीम यहां पर एफसी मुर्मू ब्रदर्स यहां पर ब्लू पोशाक में, और देखना है कौन सी टीम आज की टीम का दूसरा मैदानी गोल यहां पर एफसी मुर्मू ब्रदर्स की ओर से जो उसकी स्टार्टिंग 11 है, मानल किश्को जैसे नंबर 1, जुनेश सेमरन जैसे नंबर 2 में खेल रहे हैं, होपंटा हंसदाग 4 में, साइमन हंसदाग हेमरम 12 में, कॉर्नेल 7 में खेल रहे हैं, हीरा 5 में, विजय 10 में, जायसन 13 में, देवीधन 11 में, बरसन हंसदा खेल रहे हैं 8 में, तालाबू 15 में। सब सिटी बेंच में दो खिलाड़ियों का नाम यहां पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर जो सचिन बेंच में यहाँ पर नाम दर्शाया गया है उसको रीड नहीं किया जा रहा है इस वक्त, तो देखना होगा, ये मैच काफी अहम रहेगा दोनों टीम्स के लिए इस श्रृंखला में बने रहने के लिए। महज ये 3 मिनट का मैच हो चुका है और पूरी तरह से मैं कंफर्म नहीं हूँ ये कितना का फॉर्मेट है, मुझे लगता है ये 25-25 का तो नहीं होगा, मेरे ख्याल से हो भी सकता है, जमा नहीं है खेल अभी तक, एक दूसरे टीम के खिलाड़ी यहाँ पर एक दूसरे का स्ट्रेंथ और वीकनेस को ठीक से अभी तक रीड नहीं किया है। कल की तुलना में वेदर आज थोड़ा सा ठंडक और हवा में नमी है, देखना होगा कितना देर के बाद मैदानी गोल आता है। कल भी जिस तरह से गोलों का बारिश रहा, शुरुआती मैचों में एक ही गोल, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई मैदानी गोल नहीं, यानी आज के दिन में एक मैदानी गोल हुआ था और अच्छा तालमेल बनता हुआ यहां पर। संतोष वारियर्स काफी लेट आई है टीम और उनके टीम के खिलाड़ी भी लेट पहुंचे हैं, और आप यहां रिपोर्ट कीजिए और पूरी तैयारी के साथ रहेंगे इस मैच की समाप्ति के पहले अपने टीम के खिलाड़ियों को तैयार रखेंगे। समय यहां पर ले रहे हैं दोनों टीम के प्लेयर्स, यहां पर इस ग्राउंड का हाव भाव को जानने में काफी ज्यादा समय लिया है, काफी प्लेस है और जिसका हम जिक्र कल भी किए थे, यानी जगह का अभाव नहीं है, जिस तरह से आप गेंद को खेलना चाहे इस ग्राउंड में उस तरह से खेल सकते हैं, बहुत ज्यादा देर तक बॉल को अपने टीम के खेमे में भी पोजीशन को आप रख सकते हैं। यहाँ पर पहला अटेम्प्ट, लेकिन गोलकीपर ने यहाँ पर पंच आउट किया संदीप सोरेन ने, जैसे तैसे ही सही क्लियरेंस आता हुआ डिफेंस लाइन से, बिल्कुल बहुत सारे यूट्यूबर्स लगे हैं अभी हमारे कमेंट्री बॉक्स के नीचे में, अगर आप कल का मैच को नहीं देखे और उसका हाईलाइट को देखना चाहते हैं तो खापरा जोला 2024 का सीजन को आप YouTube के सर्च बार में सर्च कीजिए और देखिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, काफी मेहनत करते हैं यहाँ पर दर्शक तक पहुंचाने में यूट्यूबर, और उसे हमें सपोर्ट करना चाहिए। ऑफसाइड का फ्लैग यहाँ पर हवा में उठता हुआ, तो 3 वर्षीय जो फुटबॉल का महाकुंभ आप देख पा रहे हैं आज दूसरे दिन, और इस साल का जो फर्स्ट प्राइज मनी है 2.5 लाख रुपए का कैश, जबकि सेकंड प्राइज मनी 2 लाख रुपए का कैश,
कंसोलेशन प्राइज मनी। सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाले टीम को भी 50,000 रुपए का यहाँ पर प्राइज मनी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा चांद भैरव क्लब छपरा जोला पाकुड़ टीम के ऑर्गेनाइजर को, जो कि इतना बड़ा टूर्नामेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से सुसज्जित किया है, बहुत ही जबरदस्त डेकोरेशन। और इस टूर्नामेंट के जो अध्यक्ष हैं होटी हंसदा, उपाध्यक्ष लक्की मुर्मू, सचिव बबलू बरांडी, उप सचिव टारगन टुडू और कमिटी के सभी मेंबर्स को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, और वो भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से। और पिछले 2 साल से हमें यहाँ पर इनविटेशन मिला है, इसलिए मैं अपने दिल के गहराइयों से इस कमेटी के सभी मेंबर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थोड़ा सा बाहर और हेडर यहाँ पर सटीक जगह में, ये डायरेक्शन सही नहीं था, इसलिए बॉल गोल पोस्ट के पीछे में यहाँ पर लैंडिंग के लिए मुर्मू ब्रदर्स थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करते हुए उनके हाफ लाइन और फ्रंट लाइन के खिलाड़ी जाएगी बॉल प्ले से बाहर। समय हो चला है यहाँ 18.5 मिनट का ये मुकाबला हो चुका है, तो इस हाफ में मुझे लगता है ज्यादा समय नहीं है, बहुत ही कम समय। अंडरस्टैंडिंग उतना बेहतर नहीं रहा है, इसलिए मुर्मू ब्रदर्स की टीम जितना आगे बॉल को लेके गई है वहां से उनकी टीम के खिलाड़ी ज्यादा प्रभावशाली साबित नहीं हुए हैं। रिसीविंग सही नहीं और थोड़ा सा यहाँ पर इस बार मौका बन सकता है, लेकिन जूनियर यहाँ पर मोती वहां पर बॉल को निकालते हुए खामखा शॉट यहाँ पर मुर्मू ब्रदर्स की ओर से, इसलिए ये खेल बिल्कुल सामान्य लय में खेल रहे हैं दोनों टीम के खिलाड़ी, और बहुत ही कम समय इस हाफ में बचा हुआ है। स्ट्राइक ले जाएगी यहाँ पर बराबरी पर फर्स्ट हाफ तक। अगला मैच के लिए पूरी तरह से तैयारी करके रखेंगे एफसी ब्लैक डायमंड हरिशपुर। अभी तक आपका रिपोर्टिंग नहीं हुआ है, आप रिपोर्ट कीजिए पहले आप आए हैं कि नहीं, ये पता चल जाए एक बार फिर से, क्योंकि आपकी अपोनेंट आपके विरोधी टीम का रिपोर्टिंग हो चुका है। और अभी DSLR जो पूरे 40,000 का लेंस यहाँ पर इसमें बॉल लग सकता है, इसलिए अपना अपना प्रॉपर्टी का ख्याल रखिएगा। तालमेल की कमी यहाँ पर, लेकिन फिर से रिकवरी हो आता हुआ शॉट यहाँ पर, और इसी के साथ यहाँ पर पहला मैदानी गोल, दूसरे दिन का दूसरा मैदानी गोल 20 मिनट 2 सेकंड में यहाँ पर मिलता हुआ ये गोल संतोष वारियर को। इस्तांबुल ने यहाँ पर गोल किया और ये 20 मिनट 2 सेकंड में ये गोल हो गया। दुर्भाग्य है यहाँ पर मुर्मू ब्रदर्स के लिए, लेकिन कुछ बिगड़ा नहीं है, देखना होगा इस मैदानी गोल को क्या रिटर्न कर पाएंगे मुर्मू ब्रदर्स की टीम। समय अभी भी समय नहीं, पर्याप्त समय है एक गोल को वापस करने का। इस्तांबुल ने हम लॉन्ग रेंज से सिर्फ ट्राई किया और ये गोल हो गया। इसी के साथ यहाँ पर फर्स्ट हाफ की समाप्ति, और जितान से जीत को खड़ा इस्तांबुल लगत है ना, हेड की हेड करते हैं मैं तो 22 नंबर है पड़ाव करता है ना 22 नंबर आ नवा पास रंग थोड़ा गने घूम का गया लेकिन इन मोचते बाद यह बाहर से चला होना एक सी मुर्मुआ खतरनाक एरिया पर मीठे खिलाड़ी बदलो लग तैयारी हुई के ना संतोष वालिया से कोई 24 नंबर है इंदा साइमन है इंदा 15वां जगह है संतोष जगह है 20 मांझी हंसा कड़क शॉट लगाओ करते अगवा पत्र घूम करा नहीं तो लील जैसी हवा का खिलाड़ी से बोल चलाओ करा थोड़ा
घोड़ा देखिए मंचाओ का बना टीम में खिलाड़ी सात नंबर जर्सी रो का खिलाड़ी कॉर्मेल खतरनाक मुंडरे चलाओ लेना कॉर्नर चार नंबर के लिए चार सात जो भी अच्छा निधन है चीप चीप कटे की बार है से चलाओ ना ठीक 20 नंबर लॉप को खदा है मगर चार नंबर डिजिटल जी जो दिखना रक्षा पंक्ति लाइन रहे अपोंटा हेमरम अपोंटा हेमरम की गेंद के पीछे रे लगा हुआ नया रहे जगह जबकि 24 नंबर जीत बरो का साइमन बैक पास करते या कमी पूरे करा और ये देखिए अरे मोदे चीप खदा रे पिस्ता मूल्य मगर थोड़ा गन संयम की वजह से कोई खतरा की बात सात नंबर आर होमी तो बोले करेक्ट किया हप्पी सुंदर पास राइट साइड में खिलाड़ी की लगो तेज रन तेज ड्रिबलिंग के साथ थोड़ा गने लेट किया उन्हें का खाते 14 नंबर जसीरो का खिलाड़ी बाबूलाल भाई बड़ी कहते हैं हर अक्वा नखार की अक्वा गोल लाइन नखार की थे किया उन्हें या मतलब कॉर्नर की जमा या अवसर की जाम किया एफसी मुर्मू ब्रदर्स ने के लिए कोना को बढ़िया अवसर करना गोल रोड या नवा जब तो कोई सुनहरा अवसर करना अनुवा सुनहरा अवसर रे भूलो दरकारा अभी तेगी बढ़िया तैयार हेड हो हुई कम गया लेकिन बढ़िया खिलाड़िया काफी भगंत की गेम दन दना उकते गोल लाइन पर बाहर ते चलाना एकदम सही प्रेशर को बनाओ करा एफसी मुर्मू ब्रदर्स रेन टीम गोल किक 17 लगे ये दम दो ये तो ये होगा ना अनिल मुर्मू लगे लेकिन अनिल मुर्मू के बाद दो 20 पे चला बॉल 20 गए नंबर रे यार के लिए ओ इन फ्री बॉल बांग गोल लेना 11 नंबर जतिरो का खिलाड़ी इस्तांबुल आर भी दम अवसर है नाम किया साइमन ये के पीछे रे मगर रक्षा पंक्ति आ रहा मिटन शरार थे कते शानदार थे कते गेंद सी मारी का कोने का हुई कदा थ्रोई गेंद बाजी रे लगाओ करा और बढ़िया की लगाओ करा मुर्मो ब्रदर्स रेन गति कोड़ा को लगे की ये देखिए अचूरिया का सुधारा अवसर लेकिन बाबार गोटे खिलाड़ी मिले कते वहाँ बॉल की नहीं की दिया 17 नंबर लगा हुआ नया 19 नंबर मोती पुराना का फोन बड़ी तेज की बढ़िया कोशिश था 10 नंबर लोरेंस टूडो अगर मिलता का इतनी देर ही पूर्ण का ठीक है ना खानों ते कोई 7 नंबर वाह कलेक्शन नडी सुंदर लजबाब कलेक्शन के बाद एक बॉम्ब के बाद राइट साइड में खिलाड़ी लगा चांस बना खाना लेकिन वह चांस रे खतरा बना खाना से बांग बना खाना मगर 22 नंबर जर्सी रोका खिलाड़ी प्रेशर 22 हिलो लड़ी रा बबलू सोरेन आप नुमका लिखाते गेंदो अकुआ गोल पोस्ट या उकप खुंटी का उनका खुंटी हरी पिगी बाहर से ये गो कदा ये देखिए गोलकीपर आप तिरंग सुंदर कलेक्शन नजवाब कलेक्शन शतदीप सोरेन भीड़ भाड़ रहो चीते हुए चेतावते कौन किना और गेंद रे आया झपट्टा है मरा गया था लेकिन जी नहीं बांग परो मकना रेखा तो तंडी का गया क्रिकेट को बांग करना क्रिकेट में टच लिखा है दो चार रन या इधर रन करना होना हुआ फुटबॉल तो जब तक रेखा बांग परो मो तब तक तो प्लेयर की आमिताओं में हर नुआ जिनिस भी जल लेना बर्नाबास उका असिस्टेंट देखने के ना बकोबीर ने बढ़ाया हर रूल एनी टाइम है दी दीदा उन्हा लिखा थे जब तक रेखा बांग परम हो तब तक तो बाहरे से बांग मना से गोल हो उनका के गोल रेखा ने मिला कोई टेंशन मान रेखा एकदम परम हो जाना चाहिए तो भैया ने की नवा गोल मान ये हो गया अपना जिनिस की नोटे जेल दे हिट के माध्यम से 17 नंबर जसीरो का खिलाड़ी जे परेरिया इस्तेमाल किया बैठा तो मौका हुई गो और ये देखिए गोल वाह 11 नंबर जसीरो का खिलाड़ी इस्तांबुल अंसारी लजवाब करते हुए हैट्रिक क्रिया कगार रहे ना बैक टू बैक बार दो में गोल कदा
আর এদার আরবি জেনে গোল দামেন খায় তবে নোয়া চাঁদ হাইনো কলব খপরা ঝুলা কমিটি সেকমন 2000 টাকা রিয়া নগদ পুরস্কার আনটা দাড়িয়া খনা ওয়াহ हडी बढ़िया अवसर करना 2000 टका अंटाव चीरिया नुने सुनहरा अवसर मिला गार नंबर दे चेरो का खिलाड़ी इस्तांबुल अंसारी नुआ टूर्नामेंट रन हो टॉप स्कोर रे हुई ना उका 10 गोटे गोल हुई का उना 10 गोटे गोल रे 8 टी खिलाड़ी दो मिमी गुटे को गोल का गोल लगा जबकि एकमात्र इस्तांबुल अंसारी संतोष वाली असरेन सुपरस्टार खिलाड़ी दो गोलों के साथ टॉप रहे अच्छा फिनिशर कराए हनुआ जिनिस गुण गेला जी इस्तांबुल अंसारी फिनिश दा से बाय फिनिश दा अगर उन्होंने हैट्रिक के पूरे उदामन खाए अरे के बीच से कौन 2000 टका दिया नगद पुरस्कार ले इमाई के नाम तो मुकाबला बीते की बढ़िया स्थिति रे है एक अनुसार हर बीच खिलाड़ी नोडे हुई के ना अगर बीच ने गोल दा में था तो हैट्रिक हुई को इन माय मैन नई हैट्रिक अचुआई लगे अधिक से अधिक बॉल उन्हीं माय दिया सरकार में आइए सर ये बने दा इस्तांबुल को यहां पर मौका है इस्तांबुल के पास ये मौका है कि अगर एक और गोल दाग देते हैं तो इस टूर्नामेंट में पहला हैट्रिक लगाने वाला खिलाड़ी ये बन जाएंगे और अगर हैट्रिक पूरा कर देते हैं जैसे कि कमेटी की तरफ से 2000 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा हैट्रिक गोल पर लेकिन अभी तक कल से लेकर आज तक में कोई खिलाड़ी अभी तक हैट्रिक नहीं जमा पाया है लेकिन यहां पर ऑफ साइड का फ्लैग अब ज्यादा से ज्यादा मौका यहां पर इस्तांबुल को देने के प्रयास में है खिलाड़ीगण ताकि उसका हैट्रिक पूरा हो जाए अभी तक दो गोल मार चुके हैं और इस वजह से इस मैच में मुर्मू ब्रदर्स की टीम पिछड़े हुए हैं दो गोल से फिर से इस्तांबुल लेकिन थोड़ा सा बॉल छिटक गई आगे की ओर दूसरे हाफ का मुकाबला हम लोग देख रहे हैं और दूसरे हाफ तक में येलो कलर की जर्सी पहने हुए एफसी मुर्मू ब्रदर्स की टीम इस मैच में 2-0 के लीड पर है दोनों ही गोल इस्तांबुल जर्सी नंबर 11 एफसी संतोष मरियस की टीम की तरफ से किया गया है और इस मैच के बाद अगला मैच एफसी चमुंडा ब्रदर्स गोकुलपुर पाकुड़ और एफसी ब्लैक डायमंड हरिशपुर के बीच का मुकाबला हम लोग देखेंगे इसलिए मैं दोनों टीम के कैप्टन से अनुरोध करता हूं कृपया करके प्लेयर को रेडी रखें इस मैच के खत्म होने के तुरंत बाद ही आपका खेल होना है इसलिए अभी इस मैच में लगभग आधा से ज्यादा समय यानी कि मुश्किल से समझिए रेगुलेशन टाइम में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है 5-6 मिनट का जो समय इस मैच में जो शेष है लेकिन यहाँ पर इस्तांबुल चले फिर से एक खिलाड़ी को चकमा दे चुके हैं क्या इस बार भी हैट्रिक पूरा होगा या नहीं इस्तांबुल थोड़ा सा यहाँ पर पीछे हो गए बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं युवा खिलाड़ी और जो कि जैसे कि मुझे यहाँ तक पता है मोहम्मदन क्लब कोलकाता में वो खिलाड़ी ट्रेनिंग लेते हैं ले रहे हैं और ये आज जिस तरह से एफसी मुर्मू ब्रदर्स जैसे मजबूत टीम उस टीम यूनिट को जिस तरह से अभी तक में विवश कर दिया है पूरी तरह से खतरे में डाल दिया है और बता दें मुर्मू ब्रदर्स के टीम से वही चुनिंदा खिलाड़ीगण खेल रहे हैं वो सेट खिलाड़ी खेल रहे हैं जो कि बड़े बड़े टूर्नामेंट में 4 लाख 3 लाख हमेशा जीतते रहे बदगुटू महेशपुर के नाम से अब देखना है उसमें विजय सोरेन जैसे खिलाड़ी का अभी तक चारा नहीं चला है यहाँ तक कि उस मैच से जॉनसन जैसे खिलाड़ी का भी अभी तक उस तरीके का प्रदर्शन नहीं हो पाया है तो कहने का मतलब यहाँ है यही है कि इस मैच में मुर्मू ब्रदर्स टीम का उस तरीके का खेल नहीं बना पूरे खेल के दरमियान वो बॉल के लिए जूझते रहे और चुपके से यहाँ पर संतोष वारियर्स की टीम की तरफ से इस्तांबुल ने अपना काम कर दिया है लेकिन इसी बीच में यहाँ पर गोलकीपर उछलकर अपने ग्लव्स में बॉल को लेते हुए और तुरंत ही वहां पर बॉल को बढ़ा दिया वहां पर जुनास किल्ले तेजी से पास बढ़ाया बड़ी खूबसूरती से ये खेलने के लिए जाने जाते हैं ये खिलाड़ी जैक्सन मुर्मू लेकिन उनको सपोर्ट की जरूरत है जैक्सन मुर्मू और देवीधर किस्कू बर्सन हंसदा इन सभी खिलाड़ियों को कुछ करामत दिखाना होगा हीरा हेमराम इस टीम के बहुत ही चुनिंदा खिलाड़ियों में
माने जाते हैं, लेकिन हेरा पूरे मैदान में वो सिर्फ दौड़ लगाते रहे हैं। लेकिन विपक्षी टीम में जहां बात करें, लॉरेंस टुडू पूरी तरह से छाए हुए हैं मिडिल से और बहुत ही सुंदर तरीके से बॉल को यहां पर चकमा दिया है, लेकिन ऑफसाइड। यहां पर बॉल नहीं छूना चाहिए था। अगर थोड़ा सा भी अगर अवसर बनाते 12 नंबर जर्सी पहने हुए मंगल ही अगर बॉल को लेकर जाते तो यहाँ पर लगभग वहां इस्तांबुल के लिए मौका बना सकते थे। लेकिन इस्तांबुल वहां ऑफसाइड के क्षेत्र में थे, लेकिन ज्यादा ही उतावलापन दिखाने की कोशिश में वहां पर गलती कर गए और हैट्रिक लगाने का एक सुनहरा चांस भी गंवा बैठे। लेकिन अब इस मैच में मुर्मू ब्रदर की टीम थोड़ा सा अब संकट के बादल उनके ऊपर और ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ उनके और पूरी तरह से छाए हुए, क्योंकि अब इस मैच में ज्यादा वक्त नहीं है। सिर्फ उस मैच में उनको बचाने के लिए एकमात्र करिश्माई खेल दिखाना होगा और संभव नहीं है। लेकिन जब 2-0 की बढ़त हो जाती है किसी भी टीम की, तो एक तरफ से वो उस मैच में आधा से ज्यादा यानी कि कम से कम 80% मैच झुका हुआ है। समझ के परिप्रेक्ष्य से हम लोग बात करें तो इसी बीच में फिर से डेंजर एरिया से बॉल को निकाला जरूर है। फिर से वहां जर्सी नंबर 18 पहने हुए जॉन मरंडी, हालांकि बॉल को जीत लिया फिलहाल कॉर्नर टुडू ने। कॉर्नर जरूर वहां पर मौका बना रहे थे, इससे पहले बॉल को निकाल दिया गया है। फिलहाल देखना है इस्तांबुल 2 गोल मारने वाले खिलाड़ी फिलहाल यहां बॉल के साथ बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी के साथ मैच रेफरी सुनाराम जी का ये लंबी विसिल।